ताज़ा अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राजस्थान में एक दिव्यांग ने शादी के मंडप पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महिलाओं संग शादी रचाकर सबको अचंभे में डाल दिया है। फ्लैशबैक में अगर इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे तब तो आपका दिमाग सन रह जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर जिले में एक दिव्यांग ने शादी के मंडप में तीन महिलाओं के संग शादी कर सात जन मौत तक जीने मरने की कस्में खाई। शादी की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई है। लोगों को इस शादी ने इतना अचंभित कर दिया कि हर जगह ये विवाह चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल क्षेत्र झाड़ो तहसील के गांव अडोल के रहने वाले 32 वर्षीय दिव्यांग युवक नक्कालाल कसौटिया ने जिन तीन महिलाओं के साथ शादी की, इनमें से पहली महिला के साथ 12 साल से तो दूसरी के साथ 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। अपने आप में यह बेहद अनोखी शादी है। शादी में दिव्यांग दूल्हा तीन महिलाओं का पति बन गया। बता दें, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में बरसों साथ रहने के बाद शादी करने की परंपरा है। यहां सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। उदयपुर के झाड़ोल तहसील के आडोल गांव में नक्कालाल ने गुरुवार को तीनों संघ समाज के सामने एक मंडप के नीचे शादी की। मीडिया रिपोर्टों की माने तो नक्कालाल इनमें से पहली महिला के साथ 12 वर्ष तो दूसरी महिला से 8 वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, नक्कालाल की तीसरी दुल्हन भी और कोई नहीं बल्कि 12 वर्ष से उसके साथ रहने वाली महिला की ही छोटी बहन है। उसके साथ भी वह एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। नक्कालाल के जीवन में आई पहली महिला अलसीगढ़ की कंतुबाई है। वह नक्कालाल से उम्र में 13 साल बड़ी है। नक्कालाल कंतुबाई के साथ पिछले 12 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में है। कंतुबाई के साथ होते हुए भी नक्कालाल को गिरवा इलाके के फोकटा गाँव की दिव्यांग पुनकी नाम की महिला से प्यार हो गया। नक्कालाल उसे घर ले आया, लेकिन बरसों तक दोनों ही महिलाओं से नक्कालाल को कोई संतान नहीं हुई। ऐसे में नक्कालाल पिछले साल अपने से 5 साल छोटी कंतुबाई की बहन रेखा को अपने घर लाया। तीनों ही महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। रेखा के गर्भवती होने पर नक्कालाल ने तीनों से शादी करने की सोची। इसके बाद गुरुवार को गाँव में रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक ही मंडप के नीचे नक्कालाल ने तीनों से शादी कर ली। इस शादी का एक वीडियो एक लोकल मीडिया चैनल ने YouTube पर भी शेयर किया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।